इस वीडियो में मैं Redmi Note 5 Pro की कोई भी घिसी पिटी कमी नहीं बताने वाला हूँ। सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल रहने वाली हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए मैं खुश करने वाली चीज़ भी इस फ़ोन के बारे में जो है बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस वीडियो का इतना लेट आने के कारण यही है कि मैं इस वीडियो में सारे रिव्यूज़ का जो है निचोड़ लेकर जो है आया। तो अगर इसमें सबसे पहली कमी की बात करी जाए तो इसमें आपको मिलेगी सिंगल कलर्ड LED नोटिफिकेशन। पता नहीं Xiaomi ने ऐसा क्यों करा, Redmi Note 3 में थी, Note 4 में थी, बट पता नहीं इससे क्यों हटा दी है मल्टी कलर नोटिफिकेशन LED लाइट। अब जिन यूज़र्स को LED नोटिफिकेशन की आदत पड़ी हुई है उनको कम से कम एक महीना एडजस्ट करने में जो है लग जाएगा, बट अगर आज तक आपने ध्यान ही नहीं दिया था LED नोटिफिकेशन पे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली है। मैक्सिमम लोग नोट 5 प्रो को उसके कैमरे के लिए जो है परचेज करना चाहते हैं, बट सपोज कर आपको ऐसी जगह पर फोटो क्लिक करनी है जहाँ पर एक तरफ से जो है बहुत ज़्यादा धूप आ रही है और आपका मेन सब्जेक्ट जो है छांव में खड़ा है और आप चाहते हैं कि उस समय आप जो है मस्त ब्लर बैकग्राउंड वाली पोर्ट्रेट इमेज क्लिक करें, तो उस समय बता दो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें आपको HDR और पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन एक साथ यूज़ करने का नहीं मिलता Xiaomi के इस फ़ोन में। कैमरे से आधा है, पता नहीं Xiaomi कब अपने फ़ोन्स में जो है मैनुअल मोड देगा जैसे कि बाकी फ़ोन्स में दे रहे हैं जैसे Honor 7X एटसेट्रा, क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने 1 लाख का DSLR खरीदा है बट हमें उसके मैनुअल सेटिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। और अगर हम इसमें बात करें तीसरी प्रॉब्लम की तो वो है MIUI के बेहतरीन फीचर्स देने के चक्कर में बेकार रैम मैनेजमेंट। बट इसमें पहली चीज़ एक बता दूं, अगर आप बिलो एवरेज यूज़र हैं यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 एप्लीकेशन आपको बैकग्राउंड में चलाने थे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट अगर आप अब एवरेज यूज़र है तो आपको जो है दिक्कत ज़रूर आएगी। फिर आप जैसे सामने देख सकते हैं जब इसमें टेस्ट करा गया तो इसने Asphalt 8 फिर से जो है लोड लिया था, और ये कहानी सिर्फ अब की नहीं है, पिछले साल भी जब Honor 6X से कंपेरिजन होता था Xiaomi के फ़ोन्स का जब भी ये दिक्कत देखने को ज़रूर मिलती थी और आज भी जो है मिली है। और जो आगे मैं प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ शायद आपको जो है प्रॉब्लम्स ना लगे। पहला है इसमें दोनों सिम में एक साथ 4G नहीं चला सकते। दूसरी चीज़ इसमें मानता हूँ फास्ट चार्जिंग दी गई है बट इसकी फास्ट चार्जिंग इतनी भी फास्ट नहीं है, मिनिमम 2-2.25 घंटा जो है ले रही है, और ये हालत जबकि है जब बिल्कुल फ़ोन्स फ्रेश हैं यानी रिव्यू यूनिट्स में ऐसा कर रहे हैं, तो आगे चल के आप पता लगा सकते हैं कि कितना जो है समय लगने वाला है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है, तो मैं कहूँगा यार 14,000 में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं फास्ट चार्जिंग के साथ तो वो बहुत है, फास्ट चार्जर अलग से जो खरीदा जा सकता है। और जो है फालतू की कमियाँ मैंने नहीं बताई जैसे कि इसमें 4K रिकॉर्डिंग, तो पहली बात तो है नॉर्मल यूज़र 4K में रिकॉर्ड करेगा नहीं है, और बात करें अगर जिनको करना भी है वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं, और हो सकता है कि Xiaomi अपने जो है अपडेट देकर 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है इसमें दे दे। और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें नौगट दिया गया है, तो यार नौगट हो ओरियो हो चलाने तो आपको MIUI 9 है तो फीचर्स आपको जो है सेम मिलने वाले हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा आप जो है कौन सा वर्जन का एंड्रॉयड जो है चला रहे हैं। अब बात कर लेता हूँ इस फ़ोन के बारे में कुछ खुश करने वाली चीज़ों की, तो पहली चीज़ है लोग इसे कह रहे हैं iPhone 10 की कॉपी, बट जब रियल iPhone 10 के साथ इसका कैमरा कंपैरिजन किया गया तो इस फ़ोन ने अपनी इज्जत रखते हुए बेहतर परफॉर्मेंस जो है दिया। अब दूसरी चीज़ बता दूँ, नोट 5 प्रो है वर्ल्ड का पहला स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर वाला फ़ोन, और नया प्रोसेसर होने के बाद भी बता दूँ इस फ़ोन ने कई बार 8 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम जो है दिया, और 15 से 20 मिनट की इंटेंस गेमिंग के बाद भी इसमें आपको बैटरी ड्रॉप मिला सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% जो है देखने को मिला मैक्सिमम से मैक्सिमम, और इस बात करें टेम्परेचर की तो वो भी 38 डिग्री से ऊपर जो है देखने को जो है नहीं मिला था। और ये फ़ोन उन लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा जो अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे थे, क्योंकि वीडियोस बनाते हुए या व्लॉगिंग करते हुए आप जो है स्मूथ वीडियोज यानी कि जो शेकी वीडियोस बनती हैं उससे जो है छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा EIS यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर। तो आखिरी में उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आई, और ना पसंद आई अगर डिसलाइक करने वाले हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना साथ में, और जो है शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और अगर चैनल पर पहली बार गलती से आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बेल आइकन याद से दबाना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और उम्मीद है कि आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।